बता रहे हैं कि भैया अगर कोई भी अगर अपनी उचित मांगों को लेकर सड़क पर उतरेगा तो तुम उसकी हत्या कर दो, हत्या कर दो। ये कानून रह गया बिहार में, इसीलिए तो हम लोग महाजंगल राज की हम लोग बात करते हैं भाई। यही होता है ना जंगल राज में कि भाई कोई भी कुछ भी बोले आप जाके उसकी हत्या कर दो। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से पूछा है क्या हर समस्या का समाधान लाठी ही है। ये जो पुलिस बल प्रयोग हुआ है जिसमें इतने सारे लोगों पर लाठियां भांजी गई हैं, क्या ये सही है? उन्होंने सीधा सीएम नीतीश कुमार पर सवाल किया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। जहाँ पे उस राज्य के लोग अपने हक अधिकारों के लिए सड़क पर उतरते हैं, संभवतः राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ वो सड़क पर उतरते हैं और उनको लाठी खानी पड़ती है। छात्र हो, शिक्षक हो, अभ्यार्थी हो, किसान सलाहकार हो, जनप्रतिनिधि हो, हर आवाज़ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ उठती है लाठी से उसको कुचलने का प्रयास किया जाता है। और हद तो तब और ज़्यादा हो जाती है कि लाठी आप इस बर्बरता से भांजते हैं कि उसमें व्यक्ति की जान चली जाए। कौन जिम्मेदार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बताएं ना। जिस तरीके से विजयबाबू की इसमें जान गई, कौन जिम्मेदार हैं? और ये जिम्मेदारी तय करनी होगी और जवाबदेही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेनी होगी। प्रदेश के गृह मंत्री भी आप ही हैं, आप ही के प्रशासन के द्वारा ये बर्बरता से लाठी आपके आदेश पर चलाई गई, तो ये जवाबदेही आपकी बनती है। और जिम्मेदारी तय कर जल्द से जल्द कम से कम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कार्य करें, ये उम्मीद कम से कम उनके जाने के बाद इस सरकार से की जाती है। क्या लगता है षड्यंत्र रचा गया? ये कहती नजर आ रही है कि उन लोगों ने गुंडागर्दी की थी, आंख में मिर्ची ठोकने की कोशिश हुई, तब लाठीचार्ज हुआ। भाई इस तरीके से गुंडागर्दी का जवाब, मतलब आप किसी की जान ले लेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। कैसे गृह मंत्री हैं आप कि आप खुद ही कानून तोड़ने के लिए? तो क्या आप बिहार की जनता और देश की जनता को आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भैया अगर कोई भी अगर अपनी उचित मांगों को लेकर सड़क पर उतरेगा तो तुम उसकी हत्या कर दो, हत्या कर दो? ये कानून रह गया बिहार में, इसीलिए तो हम लोग महाजंगल राज की हम लोग बात करते हैं भाई। यही होता है ना जंगल राज में कि भाई कोई भी कुछ भी बोले आप जाके उसकी हत्या कर दो। आपकी गलत नीतियों के खिलाफ वो व्यक्ति सड़क पर था, वो नहीं सहमत है आपकी नीतियों। और क्या लोकतंत्र में क्या आंदोलन धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है? क्या हमारा संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता? जहाँ हमारा संविधान लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन आंदोलन की इजाज़त देता है, वही संविधान इसकी खिलाफत करता है कि आप किसी को आप मार नहीं सकते हैं। अगर आपको एतराज था, अगर कोई रास्ता आपको लगा कि गलत है, उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया कीजिए ना, किसी की जान लेना समाधान नहीं है। ने ट्वीट किया था और बाद में डिलीट कर दिया कि बदला ले लिया गया, किस तरह का ट्वीट था, मारपीट के बाद ये ट्वीट किया? भाई हमको नहीं पता बदला ले लिया गया और नहीं ले लिया। एक व्यक्ति की जान गई है भाई, शहादत है वो व्यक्ति की। अपनी नीतियों पर अडिग रहकर, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर आपके खिलाफ वो सड़क पर उतरा था मुख्यमंत्री जी, और आपने एक तो उसकी जान ले ली और दूसरी तरफ आप उस पर राजनीति कर रहे हैं इस तरीके से, जिस तरीके से उनकी जान को बताया जा रहा है कि लाठी चार्ज में नहीं तो वो प्राथमिक स्वाभाविक तौर पर हुई, जो भी हो। अब इस तरीके से आप उसके बारे में, उस व्यक्ति के जाने के बाद इतनी हल्की बातें करना, ये शोभा नहीं। क्या लगता है षड्यंत्र रचा गया इस पूरे लाठीचार्ज के दौरान? इस पूरे जेपी नड्डा ने जो आपको पत्र लिखा है उसमें एक मजबूत हिस्सा आपको बताया गया है, बैठक में भी जाएंगे, क्या लगता है कि क्या चल रहा है अंदर खाने से, कुछ सूचना दीजिए भाई। ये बात किसी से छुपी तो है नहीं कि गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा है, बट बहरहाल आज मुझे, आज नहीं एक दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का पत्र प्राप्त हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने वैसे भी रह रहकर समय समय पर मुद्दों के आधार पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर सही फैसले को हम लोगों ने मजबूती से हम लोगों ने समर्थन किया है। 18 तारीख वाली बैठक को लेकर एक अहम सहयोगी के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को निमंत्रण प्राप्त हुआ है। बहरहाल ये अंतिम फैसला पार्टी को ही लेना, पार्टी के तमाम नेता आज बैठेंगे, चर्चा करेंगे। भाई क्यों मान लिया जाए, आज पार्टी के नेता बैठेंगे और 18 तारीख वाली बैठक में पार्टी की क्या भूमिका रहेगी उसको तय करेंगे। लाठीचार्ज जिस तरीके से हुआ, क्या आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस तरह की मांग करेंगे? भाई मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का कोई मतलब ही नहीं है, मुख्यमंत्री तो वैसे खुद ही कृपा पे बने हुए हैं। इनका इस्तीफा तो बिहार की जनता ने 2020 में ही ले लिया था।
तीसरे नंबर की पार्टी, दूसरों की कृपा पर ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार की जनता ने इन्हें नहीं चुना था, इन्हें रिजेक्ट कर चुकी है बिहार की जनता। आज दूसरों की कृपा पर, दूसरों के सहारे पर ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और मुख्यमंत्री बनकर जिस अहंकार में ये हैं और हर समस्या के समाधान के तौर पर ये लाठी निकालते हैं, बिहार की जनता ये भी देख रही है। इस बार तो उनको सिर्फ रिजेक्ट किया था, अगली बार तो भैया इनका खाता तक नहीं खुलेगा। तेजस्वी यादव लाठी चार्ज को लेकर अक्सर जब विपक्ष में रहते थे तो विरोध किया करते थे मुख्यमंत्री। भाई यही अफसोस है, तेजस्वी यादव चुप्पी साध रहे हैं। अफसोस है, राजद के यही नेता हैं जिनके स्वर जब खुद के साथ हो रहा था तो अलग थे, जब इनके विधायकों को मार्शल विधानसभा से पकड़ पकड़ कर बाहर ला रहे थे तो उस वक्त इनकी भाषा अलग थी, इनकी बोली अलग थी, और आज इनकी भाषा इनकी बोली अलग है। सत्ता में आप एक नीति अपनाएंगे, विपक्ष में आप दूसरी नीति अपनाएंगे, गलत है। राजनीति सिद्धांतों पर होती है, राजनीति विचारों पर होती है। जो राजनीति परिस्थितियों के साथ बदले या आपके सिद्धांत। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।